गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास आइट का दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी। तो फर्स्ट चैप्टर सारा कवर कर चुके थे। अगर आपने वो सारा वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं चैप्टर टू शुरू करता हूँ। चैप्टर टू में क्या क्या पढ़ेंगे? तो चैप्टर टू में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इस सभी के बारे में पढ़ना है। इन सभी पर हर टॉपिक, हर जान मतलब इसका पर भी टॉपिक है। तो कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करना चाहिए, मतलब चाहिए तो सारा टॉपिक, लेकिन इस वीडियोस में कौन कौन सा मतलब सारा टॉपिक का नाम बता देता हूँ, फिर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक चर्चा करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक रहेगा भूमि, तो पहला भूमि पर चर्चा करेंगे, फिर मृदा पर चर्चा करेंगे, फिर जल पर चर्चा करेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियाँ तथा जीव संसाधन इस पर भी चर्चा करेंगे। मतलब हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मतलब यह वीडियोस दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। बस समझ रही, एक वीडियोस में सारा चैप्टर ख़त्म करना मुश्किल, अगर ख़त्म होता भी है तो समझिए कि वो जल्दी जल्दी में चैप्टर ख़त्म हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो भी चैप्टर को दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ सके, वीडियोस लंबी ना बन सके, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? भूमि। इसमें क्या करना है? भूमि का जो इसमें पढ़ेंगे, भूमि का उपयोग, भूमि संसाधन का संरक्षण ये पढ़ेंगे। मृदा में क्या पढ़ेंगे? मृदा निर्माण के कारक, मृदा का निम्नीकरणीय और फिर संचारण का उपयोग, जल उपलब्धता की समस्याएं, जल का संचारण संरक्षण ये सब पढ़ेंगे, और प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव संसाधन ये पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे कि हम लोग टॉपिक पर चलेंगे तो उस पर हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हमें कहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए ताकि, ठीक है। तो आज के वीडियोस में हम लोग दो टॉपिक कवर करते हैं और फिर दो टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड शुरू करते हैं, ठीक है। आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ओके। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक है भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग हम लोग अधिकतर कृषि मतलब कि खेती करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर अन्य चीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। तो क्या बोले हम लोग, भूमि का उपयोग अधिकतर कृषि उपयोग में भी किया जाता है तथा इसका उपयोग अन्य चीज़ में भी किया जाता है। ऐसा भी नहीं कि हर चीज़, जितना भी भूमि है सारा चीज़ को हम लोग खेती करने में ही यूज़ करते हैं। कहीं गार्ड, कहीं पार्क बनाया जाता है, कहीं चरागाह स्थान छोड़ा जाता है जहाँ पे भेड़िया वगैरह को चराया जाता है, मकान बनाया जाता है, भवन बनाया जाता है, फैक्ट्रियाँ खोल जाती है। तो ये हम यह नहीं कह सकते कि अधिकतर हम लोग मतलब कि तो कृषि योग्य भूमि मतलब यूज़ करते ही साथ साथ अन्य चीज़ के लिए भी हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उपयोग कैसे करते हैं पता चल रहा है, हम लोग बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखे हैं। किताब में तो बहुत सारा पैराग्राफ दे दिया गया है, लेकिन उनमें से क्या चीज़ लेना है उसको हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि बहुत सारा ऐसे ज़मीन होता है, बहुत सारा ऐसा भूमि होता है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उस पर सारा व्यक्ति का अधिकार होता है, एक से अधिक लोग उस पर अधिकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि पार्क हो गया, पार्क पर सिर्फ हम ही या तो कोई एक दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, बल्कि कई लोग भी उस पर जाकर मतलब वहाँ पर घूम सकते हैं, रह सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा जो ज़मीन होता है उसे साझा संपत्ति कहते हैं, मतलब कि उस पर एक समूह या एक समुदाय का अधिकार होता है, किसी पर्सनल किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है उस भूमि पर, ठीक है, बात समझ मारी। तो ये सब जो टॉपिक है, तो किताब में बहुत सारा पैराग्राफ दिया गया है जिससे तुम लोग आप लोग भी खुद पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन उनमें से क्या क्या लेना है उसको हमने ले लिया, जो जो टॉपिक चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है।
तो मैं जो चीज़ नहीं लिखा आ रहा हूँ, अगर वो मैं पढ़ भी देता हूँ तो उसे आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो बस वो बहुत वो भी इजी है, तो जो जो चाहिए वो मैंने वहाँ नोट कर दिया है। अब आगे क्या है हम लोग को वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो टॉपिक रहेगा भूमि संसाधन का संरक्षण, ठीक है। तो ये टॉपिक आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, आप लोग को सही नीचे का पार्ट्स नहीं दिखाई पड़ते होंगे, ठीक है। तो मैं वो कोशिश करता हूँ, आप लोग वीडियो स्टॉप कीजिएगा और नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप वीडियो स्टॉप कीजिए और नोट कर लीजिए ताकि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण। अगला टॉपिक है क्या, भूमि संसाधन का संरक्षण। तो इसका मतलब होता है कि भूमि की देखभाल करना, रख रखाव करना, ठीक है। संरक्षण मतलब भाई, तो अक्सर हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुसार कृषि योग्य भूमि और वनों को कटाई की जा रही है। अब ये बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार वनों को नष्ट कर रही है, कृषि योग्य भूमि को कैसे ख़त्म कर रही है, जैसे कि जिस प्रकार हमारे अदर स्टेट या तो अदर कंट्री में जनसंख्या बढ़ती, पॉपुलेशन बढ़ता है, तो नए नए तरीके भी अपनाते हैं, कहीं फैक्ट्री खोलते हैं। तो फैक्ट्री खोलने के लिए बड़े स्थान, बड़े पैमाने वाले जगह भी चाहिए जहाँ पे फैक्ट्री आसानी से खोली जा सके। तो वैसे हम क्या करते हैं कि जंगल की कटाई करते हैं ताकि वहाँ पे फैक्ट्री लगाई जा सके, तो कटाई भी कर दी जाती है। और अधिकतर जहाँ पे कृषि योग्य भूमि होती है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपनाकर कृषि योग्य भूमि को भी कम करते हैं। तो उसे संरक्षण करने के लिए जनसंख्या पर मतलब कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जिस प्रकार जनसंख्या भी वृद्धि कम हो और वृक्ष, खासतौर पर अधिकतर हम लोग को वृक्षारोपण करना चाहिए, मतलब जितना भी अधिक मात्रा में हो वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। अगर वृक्ष की कटाई होगी तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स, जैसे कि पृथ्वी का तापमान टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो मेन पॉइंट होता है संतुलन बनाने का काम भी वृक्ष भूमि जो करता है, मतलब कि वन की जरूरत पड़ती है पृथ्वी को संतुलन बनाए रखने के लिए। और ये सब होगा क्या, कब होगा, जब हम लोग अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मतलब स्मॉल टॉपिक, मतलब ये सब बहुत छोटा टॉपिक है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। किताब में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी भी लिखा रहा हूँ, पूरा पैराग्राफ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं जिसको लिखाना है, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, इस लगता मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग 7 क्लास 6 क्लास अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप लोग को ऐसे बहुत ईजी लैंग्वेज में हम समझा रहे तो आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी वैसे चीज़ जो किताब से खुद पढ़ने वाले हो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है मृदा। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं मृदा पर, ठीक है। आप इसे वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब होता ही है मिट्टी। इसमें जो हम लोग को टॉपिक था और कुछ मैं बता दूं पहले कि वीडियो के लास्ट में आप लोग को स्क्रीन पर कुछ डायग्राम दिखाई देगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज डायग्राम को मैं हम छाप नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं डायग्राम डायरेक्ट आप लोग को स्क्रीन पर दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। तो मृदा मतलब मिट्टी, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। मतलब मिट्टी समझिए, तो मृदा नहीं तो मिट्टी आप समझिए, ठीक है। तो उसी को मृदा कहते हैं। अब मृदा प्रदन के नाम सुने हुए अगर शायद, तो आप 10 क्लास में जाते जाते और समझ लेंगे। मृदा प्रदन क्या होता है कि जब मिट्टी किसी माध्यम के थ्रू, हवा हो या जल हो, किसी माध्यम के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान
चढ़ा जाता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे कि अगर कुंभ में तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा देखता हूँ कहाँ पे डायग्राम बनाने लायक है। यहाँ पे चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मिट्टी बहकर किसी जैसे हवा के माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे राजस्थान में आप लोग देखते होंगे मरुस्थल में कि धूल क्या होता है कि एक जब हवा चलती है राजस्थान में तो बहुत सारा जो धूल होता है बालू होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पे ट्यूब बना जिससे मतलब कि शंकु आकार का कोई मतलब कि शंकु आकार का ढांचा बना देते हैं, ठीक है, जिसे ट्यूब भी शायद बोलते हैं। तो हवा के माध्यम से क्या हुआ कि वहाँ की मृदा क्या हुई दूसरे स्थान पर चले गई। आप लोग ये भी देखते होंगे कि पानी के माध्यम से भी बहकर पानी क्या होता है दूसरे स्थान पर चले जाता है तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो इसे रोकने का बहुत सारे नियम है। पहला नंबर कि आप पेड़ लगाएं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। पेड़ लगाने से क्या होता है कि आप लोग जब पेड़ लगाएंगे तो उसका जो जड़ रहेगा, पेड़ पौधे का जो जड़ रहेगा वो मृदा को बहने नहीं देगा, जड़ मृदा को जकड़ कर रखा रहेगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो मृदा अपरदन से रोका जा सकता है, मतलब कि मृदा संरक्षण से रोका जा सकता है, मृदा संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टॉपिक और टॉपिक है, तो दो टॉपिक आगे मैं लिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूँ पहले कि मालचा बनाने से भी पौधे मतलब कि मृदा का संचारण किया जा सकता है। संचारण पौधे के बीच अनावारित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रबल प्रवाल हो, ठीक है, यार थोड़ा सा लिख देता हूँ, प्रवाल से ढक दी जाती है। फिर ये भी, ये दोनों टॉपिक खुद भर के समझ लो भाई, क्योंकि ये सब खुद पढ़ने वाला है, ठीक है। तो हर जगह पे अलग अलग मैं यहाँ दो चीज़ दिखाई पड़ रहा हूँ, तो दोनों आप नोट कीजिए, आगे मैं लिखाता हूँ, ठीक है। आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर दीजिएगा। तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार मृदा को संरक्षण करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि ये प्रकार में एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवधारण का निर्माण करता है, तो इस प्रकार से भी उसको बचाया जा सकता है। फिर तटीय प्रदेश में मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज आप इसलिए मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली नोट करो, ठीक है। तटीय प्रदेश और ठंडे प्रदेश में पवन की गति क्या होती है कि अधिकतर होती है, उसको रोकने के लिए कतार से मतलब कि लाइन बाय लाइन वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि उनकी गति को रोका जा सके, मतलब पवन की गति को रोका जा सके या मृदा आवरण को बचाए जा सके, ठीक है, मृदा आवरण को भी बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है, जैसे कि क्या होता है कि अगर यहाँ पे वृक्ष है, ठीक है, और इधर से हवा चल रहा है यहाँ से जब मृदा उड़ेगी अगर इससे टकराएगी तो फिर क्या होगा, वापस इसी पे यहीं पे आ जाएगी ना कि इसको फाड़ के इधर निकल जाएगी क्या, नहीं निकलेगी। हवा चल रहा है लेकिन जब ये भी उड़ेगा तो यहाँ टकराएगा इधर टकराएगा लेकिन फिर भी नीचे ही आ जाएगा, मतलब जहाँ पे है वहीं पे गिर जाएगा, वापस इधर नहीं जाएगा बिकॉज इधर क्या है, रोधक है, मतलब कि इसे रोकने का काम करता है वृक्ष। तो जब ये धूल कण जब उड़ के जाएंगे तो वापस इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ आ रही है, टॉपिक भी समझ में आ रहा होगा, बस दो और ट्रेंड मैं इसे लिखा देता हूँ फिर वीडियो ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। तो अगला जो टॉपिक मतलब कि इसको मृदा को अपरदन से बच मतलब मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो ट्रेंड है कई प्रकार के तरीका को अपनाया जाता है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। और इसमें कहीं भी कंफ्यूजन होने चाहिए बिकॉज खुद अपने ही लैंग्वेज में लिखा गया है, कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगले वीडियोस मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छी लगी वीडियोस तो, बिकॉज इस वीडियोस में हम लोग उतना नहीं बात कर पाए जितना अगले वीडियोस में बात करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा इजी टॉपिक था तो हम लोग उतना चर्चा पर भी नहीं आए, लेकिन आगे का जो टॉपिक होगा उसमें कवर करना और चीज़ें तो आगे वीडियो में चलेंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय।